हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चैप्टर 12 की क्लास 7 मैथ्स के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कांस्टेंट होगा और वेरिएबल्स हैं। तो कांस्टेंट बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। कांस्टेंट क्या है, है ना? कांस्टेंट जो है एक तरह का नंबर होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और एनीथिंग, लाइक इस तरह कोई भी नंबर जो जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, इवन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स विच वैल्यूज इज नॉट फिक्स, है ना? मतलब ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो ए बी सी डी, इस तरह की जो यहाँ पे हम मतलब लेटर्स यूज करते हैं उसको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ चुका है, क्लियर है ना? अब बात करते हैं लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, है ना? एक्सप्रेशंस विच कंबाइन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन विच कंबाइन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब ये कंबाइन कैसे होगा, है ना? कंबाइन कैसे होगा, हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, है ना? बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन कंबाइन कैसे होगा, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, सब मान लो। ठीक है, ये सभी है। अब अगर आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल जानना चाहोगे एग्जाम्पल क्या होता है ना, एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे मान लो x प्लस टू एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, प्लस जो कि कंबाइन करता है 2 को, है ना? तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे मान लो 5x प्लस 7, तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पे 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इस्तेमाल हो गया, प्लस 7 है, यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आपस में कंबाइन हो गया, है ना? तो ये हो गया आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे अलग अलग तरह की मतलब टर्म्स की। अभी अब टर्म्स आप लोगों ने नया नाम सुना होगा, वही टर्म्स क्या है, ये तो नया चीज है टर्म्स। तो टर्म्स क्या है, अगर एग्जांपल ये बताऊं आपको, जैसे मान लो यहां पे 5x प्लस 7 है, तो यहां पे दो तरह का आपको एक नंबर दिख रहा है, आपको एक ये दिख रहा है 5 और ये दिख रहा है 7। तो यहां पे पहला, यहां पे दो टर्म्स हैं, पहला है 5x, दूसरा है 7। ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका टर्म्स ये दोनों है, क्लियर? सिंपल है, टर्म्स पता चल गया। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की। बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत आसान है, लाइक और अनलाइक की, रेडी? तो अगर बात करें लाइक टर्म्स की, लाइक अनलाइक, ये लाइक अनलाइक वो नहीं है जैसे ये चीज पसंद है वो चीज पसंद है, ऐसा लाइक मतलब एक जैसा और अलग, लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग। अब लाइक की बात करेंगे, देखिए अगर वेरिएबल सेम है प्लस उसके ऊपर जो पावर्स है, है ना? अगर वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, वेरिएबल्स मतलब वही एक्स वाई ए बी सी डी, है ना? ये वेरिएबल्स अगर सेम है और पावर्स भी सेम है तो वो लाइक टर्म हो जाएगा। जैसे देखो मान लो यहां पे 7x है और यहां पे 3x है, 7x 3x लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल्स यहां पे x सेम है ना। और यहां पे अगर हम बात करें, और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 2ab और 4ab, ab अभी मैच कर रहा है, ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है ना। अब अनलाइक की बात करेंगे, कुछ पावर्स की एग्जांपल ले लेंगे, है ना? कुछ पावर्स की इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो
2x² y और 4x² y। अब बोलोगे ये लाइक है कि नहीं है, है ना, लाइक है कि नहीं है, तो लाइक है कि नहीं, वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो एक्स टू यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स टू है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल जो है सेम है। अगर यहाँ पे एक्स टू नहीं होके एक्स वाई होता, यहाँ पे एक्स टू वाई होता, तो ये लाइक नहीं होता, ये लाइक नहीं होता। यहाँ पे देखो मतलब पावर्स भी सेम होने चाहिए और वेरिएबल्स भी वही सेम होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। अब यहाँ अनलाइक की बात करेंगे, तो मान लो यहाँ पे ए है, 7a है, और यहाँ पे 8b है, और क्या ये लाइक है, लाइक है, ये लाइक है, कैसे लाइक है, यहाँ पे a और b डिफरेंट है भाई, वेरिएबल्स अलग अलग है, आप कैसे लाइक बोल रहे हो उसको, बताओ, गलत है ना। यहाँ पे a और b अलग है, यानी कि ये लाइक नहीं है, ये क्या है, अनलाइक है, क्या है ये, अनलाइक है। जैसे मान लो यहाँ पे 7xy है, यहाँ पे 7x है, ये लाइक क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे अलग है, कॉन्स्टेंट अलग चलेगा, कॉन्स्टेंट अलग चलता है, लेकिन वेरिएबल्स हमें हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक होगा। और यहाँ पे हम लाइक अलग की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक अलग की बात हो क्यों रही है, क्योंकि आप लाइक है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, है ना, जब लाइक टर्म्स होगा उसी को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड आप नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे एडिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये लाइक अलग की बात समझ लो, ठीक है। अब बात करेंगे बोलो कुछ अलग अलग तरह टाइप्स के एक्सप्रेशंस की, जैसे मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बहुत सारे है ना, हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो सही से, समझ आ चुका है, हम लोग आगे फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ आ चुका है आप लोगों को, यस, ओके। तो दोस्तों हम बात करेंगे हम लोग अब बायनोमियल्स की, बायनोमियल्स की, ट्राइनोमियल्स की और पॉलिनोमियल्स की। देखिए ये जो डेफिनेशंस होता है भाई, ये जो डिफरेंट मतलब टर्म्स पे होता है, मतलब टर्म्स जितना ज्यादा होगा उसका वो जो इसको जो बोलने का तरीका होगा बदल जाएगा, है ना। अब टाइप्स ऑफ हम बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कैसे होता है ये एक्सप्रेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, अब ये टाइप्स कितने होते हैं इस पर बात करेंगे, ठीक है, मजा तो आ रहा है ना। चलो तो पहला है मोनोमियल, क्या है मोनोमियल, पहला क्या है मोनोमियल। अभी मोनोमियल्स क्या है, मोनोमियल्स मतलब सिर्फ जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है, टर्म पता चल चुका है, बता चुका हो टर्म्स, तो अब बात करेंगे मोनोमियल्स की, प्लीज बैठ जाओ। एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। अब देखिए एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, जैसे एग्जाम्पल समझ लो 5a प्लस 5a 7x माइनस 8y 6x² जेड। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोनोमियल्स के। अब ये मोनोमियल्स क्या है भाई, बता चुका हूं, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे 5a एक टर्म है, 8a माइनस 8y एक टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया, क्या ये मोनोमियल्स है। अब हम बात करेंगे लोग बायनोमियल्स की, है ना, क्या बात करेंगे बायनोमियल्स की, समझ लो अच्छे से भाई, समझ लो बायनोमियल। तो बायनोमियल्स की बात करें तो बायनोमियल्स में दो टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, दो टर्म, सिंपल है, दो टर्म्स। अब यहां कुछ भी लगा देंगे, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप, मान लो दो टर्म्स ले लेंगे कुछ भी, है ना, जैसे मान लो 7xy और प्लस 4z, दो टर्म्स, 7xy पहला टर्म्स, 4z दूसरा टर्म्स, ये हो गया आपका बायनोमियल। उसको एग्जाम्पल बताओगे, बताओ कुछ, हाँ बोल सकते, बोलो बायनोमियल्स का एग्जाम्पल है, मान लो 6x प्लस 9, यस बोलो, टू टू ए
बी बी माइनस सेवन माइनस सेवन वाई वाई राइट बैठ जाओ। तो यहाँ पे दो टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल्स है। ट्राइनोमियल्स की बात करते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। अब यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता रही हूं, जिसमें तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल मतलब तीन, मतलब कुछ भी, सेवन वाई प्लस सिक्स जेड माइनस थ्री एक्स वाई, एक दो तीन ट्राइनोमियल्स। अब इससे ज्यादा हो तो क्वाड्रोनोमियल्स मान लेना, ठीक है। ये होगी आपके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब अगर हमें ऐड करना हो, अगर हमें ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, देखो जैसे 7x प्लस 6x है, 7x प्लस 6x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टाइम टर्म सेम सेम है, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13x। आप लाइक, अगर ये लाइक है, देखो लाइक है ना, देखो x से मैच कर रहा है ना, लाइक ही तो है, ठीक है। अब शांत से बैठो। अब यहां मान लो 8xy है और माइनस 3xy है, माइनस कर लोगे क्योंकि x और x मैच है, इसका मतलब हम आराम से 8 और 3 माइनस कर देंगे। अगर लाइक टर्म्स है ना, अगर टर्म्स मैच कर रहे हैं तो आराम से आप कांस्टेंट को माइनस कर सकते हैं, जैसे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होता है 5xy, सिंपल है। आप अनलाइक को माइनस मत करना, नहीं कर सकते हो, जैसा बोलोगे आप 6a माइनस 4b, 6 माइनस 4 मत कर देना, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पे ए भी अलग है, वही अलग है कांस्टेंट, ये अलग वेरिएबल्स अलग है, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये माइनस नहीं कर सकते, ये इसका आंसर फाइनल है, ये अनलाइक टर्म्स है, तो हमेशा लाइक को ही आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया, आज की इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग आप लोगों को आगे समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक्सरसाइज में तो क्वेश्चंस वही है जो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा वही। तो क्वेश्चन है पहला जो कि हम लोगों ने आपको बताया था, ये 12.1 है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो आपको वाई जेड माइनस करना है किससे, वाई से, ऐसे में क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड फ्रॉम, जैसे हो ना, जैसे मान लो वाई जेड फ्रॉम वाई, तो वाई जो है पहले आएगा और जेड बाद में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे था कि प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू एंड 1/4 था, तो आपको 1/4 यानी कि 1/4 और पी क्यू को पी क्यू प्रोडक्ट पी क्यू ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है 5x y2 एंड 7x2y, इसको फैक्टर ट्री बनाना है। आप लोगों ने फैक्टर ट्री बनाए होंगे बचपन में, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि नॉर्मल कैसा था, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, देखिए 5x y2 ये पहला टर्म है, दूसरा है 7x2y, ये दोनों आपने टर्म लिख लिया। अब इस टर्म्स में क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका 5 है, x है और y यहाँ पे दो बार है, y यहाँ पे y इंटू y दो बार है ना, सिंपल है। यहाँ पे क्या क्या है, 7 है, एक्स टू यानी x इंटू x और यहाँ पे हो गया आपका y। इस तरह से फैक्टर ट्री आप बना लेंगे, बहुत आसान है, उतना कुछ डिफिकल्ट ये नहीं है, ठीक है, बहुत आसान लग रहे हैं, आप लोगों को आसान लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे है आपका आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई टर्म्स फैक्टर्स, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस, है ना, टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो टर्म्स क्या क्या है, अब यहाँ पे टर्म्स की बात करेंगे, टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे, जैसे एग्जाम्पल की बताऊँ आपको, एक टर्म एक क्वेश्चन है -4x प्लस 5 है, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो टर्म्स, पहला टर्म है -4x, दूसरा टर्म आपका है यहाँ पे 5। अगर पहला टर्म हो गया -4x, दूसरा हो गया 5, तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर 5 ही होगा और 4 का फैक्टर क्या होगा -4 और x। इस तरह से आप कर सकते हैं, मैंने फैक्टर ट्री बना दिया, फैक्टर ट्री वैसे बनाना नहीं है आपको, ठीक है, नॉर्मली देना है। नॉर्मली कैसे लिखेंगे, -4x = -4 एंड x, और -5 का तो सेम, सॉरी 5 का तो सिर्फ 5 ही बनेगा, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स हम लोग कर चुके हैं पहले से, तो ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे, लाइक अनलाइक तो पता ही है आपको। एक क्वेश्चन था यहाँ पे डिग्री वाला, आपको डिग्री बताना है, डिग्री कैसे फाइंड करने हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा डिग्री टाइप का क्वेश्चन, जस्ट मिनट क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको डिग्री फाइंड करना हो कहीं भी कि एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है ना, तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2xz प्लस 3
एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से अगर अगर हमारे टर्म्स है तो मतलब एक्सप्रेशन है तो इसका डिग्री क्या होगा, किसी डिग्री जो होता है वो किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर होता है, तो जिस भी एक्सप्रेशन में पावर ज्यादा हो वही उसका वो डिग्री होता है। जैसे मान लो यहाँ पे पावर टू टू यहाँ पे है, यहाँ पे पावर एक एक दे रखे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई में वन वन पावर है, तो मैक्सिमम पावर किसमें नजर आ रहा है आपको, इसमें, इससे डिग्री क्या हो जाएगा, आपको डिग्री में क्या करना है, पावर को आपको प्लस कर देना है, लिख देंगे एक्स में यहाँ पे दो पावर है, वाई में यहाँ पे दो पावर है, यानी कि दो प्लस कितना हो जाएगा चार, यानी इससे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा फोर, इससे डिग्री क्या हो जाएगा फोर, ठीक है, सिंपल था, है ना। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते थोड़ा सा हम लोग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन की बात करें तो एडिशन जो है वो दो तरह से होता है ना, आपको दो तरह से एडिशन करना है वैसे, एक तो मेथड है आपको मतलब कॉलम जैसे मेथड, है ना, एक होता है आपको नॉर्मली मेथड, ठीक है, तो पहले बात करिए हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना, थोड़ा सा सिंपल सा मेथड जो है ना, जैसे मान लीजिए कैसा दे रखा है आपका, हाँ कंबाइन करना है आपको टर्म्स को, यहाँ पे देखिए कंबाइन करना है, यहाँ पे 12.2 में आ जाते हैं, थोड़ा सा कंबाइन करना सिखाता हूँ आपको, वैसे सिंपली ऐड भी दे रखा है, हम लोग पहले कंबाइन करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे टू ए के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का, ध्यान से देखना कोई इतना ये टफ नहीं है, जैसे मान लो 21B है पहला क्वेश्चन ही है, 12.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है 21B माइनस 32 और प्लस 7B, इसके बाद है आपका माइनस 20B, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आराम से प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अगर प्लस करना है वेरिएबल्स का, मतलब ऐसे टर्म्स का जिसमें वेरिएबल्स है, आपको देखना पड़ेगा कि वो लाइक है कि नहीं है, लाइक को ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, सब में बी भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइक टर्म्स है, इसको आप आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे 21B है इसको आराम से लिखेंगे, इसका प्लस 7B है, माइनस 20B है और यहाँ पे माइनस 32 है, इसको साइड कर लेंगे, ये कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो देखिए ये 21 प्लस में है, 7 प्लस में है और माइनस 20 है, तो पहले आप प्लस 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 कर लो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में अगर प्लस और प्लस रहता है तो उसको आप प्लस कर सकते हैं, तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, उसके बाद 28B है, यहां पे 20 आपको B माइनस करना है, वो करेंगे बाद में एक स्टेप में आगे, साथ में भी कर सकते थे वैसे, लेकिन यहां पे हम लोग थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, तो 28 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 28 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 28 बचेगा, है ना, 8 बचेगा, इसका हो जाएगा 8B माइनस 32, अब इन दोनों का माइनस मत कर देना क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बैठो, ये हो गया आपका पहला आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जहां पे आपको इसको ऐड करने के आपको करना है, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है AB-4A, एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, AB-4A, उसके बाद है 4B-AB, उसके बाद है आपका 4B-AB, उसके बाद है आपका 4A-B, 4A-4B, 4A-B, तो यहां पर देखो इन दोनों को ऐड करने बोला है, वैसे आई थिंक ऐड ही है, देख लेते एक बारी, हाँ ऐड ही है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे AB यहाँ पे है, AB यहाँ पे है और AB कहीं आई नहीं, ए बी और ए बी दोनों क्या है, प्लस में क्या है दोनों, अगर इसको ढंग से लिखोगे तैसे लिखोगे, देखो पहले लोग एक सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे 4A है, लिख दो 4A, ठीक है, और क्या 4A है, क्या है, हाँ ठीक है तो लिख देते हैं, प्लस 4A है लिख देते हैं, उसके बाद आपका बी कहाँ है, आपका बी यहाँ पे प्लस 4B है, यहाँ पे माइनस बी है, फिर आपका 4A माइनस में है, फिर प्लस में 4A है, इसको आप इस तरह से लिखोगे, लाइक को साथ में लिखोगे, यहाँ पे माइनस 4A और प्लस 4A क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4B है ना, 4B और यहाँ पे B है, ठीक है देख लेते हैं, तो 4B में से B जाएगा क्या हो जाएगा, 3B, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, और आज के लिए आपको इतना काफी है समझाना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए।
आगे बात करेंगे इसके बारे में आगे फिर।